अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं अपना क्लास प्लस वन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 23। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हमारा अकाउंट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा ना, तो ये चैप्टर उसका अपोजिट होता रहेगा। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक के सिलेबस में हमने पढ़ा है कि हम जो भी एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, कहां कहां पे, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। बट ये वाला चैप्टर हमें क्या कहना है कि जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन की, वो ओनली एक बार हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को क्या कहा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। और ये दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, डेबिट को और क्रेडिट को एक साथ में, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है अकाउंट्स का। ठीक है, क्योंकि देखो हर काम हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं अकाउंट्स में, और ये वाला चैप्टर हमें क्या कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो सिर्फ एक ही उस पर रिकॉर्ड करेंगे, एक ही चीज को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये वाला जो चैप्टर है वो देखो किसके लिए सही रहता है, किसके लिए नहीं रहता, कौन से बिजनेसमैन जो है इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये सीख लेंगे आज हम इस वीडियो सेशन में, एक ये सीखेंगे फीचर्स क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, यानी कि इसको क्या क्या यूज है, एडवांटेजेस कह लो, और इसके लिमिटेशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगले जो 2 से 3 वीडियो और हमारी इसके ऊपर बनेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको क्लास प्लस वन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज आप चैनल के जो है वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके ऊपर जाइए, तो वहां पे आपको सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां पे सभी के लिंक्स है, तो आप कोई भी चैप्टर जो है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वहां से देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक जो है समझ सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या मतलब होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे ना छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन का छोटे बच्चे नहीं, यानी कि जिनका बहुत छोटा सा बिजनेस होता है वो बिजनेसमैन होते हैं हमारे छोटे बिजनेसमैन। ठीक है, यानी कि बहुत थोड़ा सामान उनके पास होता है, थोड़ी सी उनके पास असेट्स होती है, थोड़ी सी लाइबिलिटीज होती है, तो वो ना हर एक काम को भाई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अलग से जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, अलग से उसके लिए फिर लेजर वगैरह प्रिपेयर नहीं करते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ऐसा कुछ काम नहीं करते वो। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई, चलो उन्होंने रफली कहीं लिख लिया तो लिख लिया, वरना ठीक है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ना तो उनके पास इतनी नॉलेज होती, देखो अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है और अगर हमने लेजर वगैरह प्रिपेयर करने हैं या कोई जर्नल एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ नॉलेज की भी जरूरत होती है। अब छोटे छोटे बिजनेसमैन को इतनी कहाँ नॉलेज होती है कि वो अलग अलग जर्नल में एंट्री करेंगे, ठीक है, फिर हमारे लेजर प्रिपेयर करेंगे या फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, इतना कहाँ उनको होता है। तो वो तो क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई बस उन्होंने कहीं रफ सा उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसके भी एक डेफिनेशन देखिए क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एज नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी कि अकाउंट्स का एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग जो है तैयार नहीं किए जाते, तो उसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसको हम बोल सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है वो क्या हुआ, सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ। ठीक है, अब देखिए ये फाइनल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए जाते हैं, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये कुछ भी नहीं बनाते। अब ये कैसे बना लेंगे जब इन्होंने जर्नल एंट्री नहीं करी, ठीक है, ना उन्होंने लेजर में पोस्टिंग करी, ना कुछ किया। ठीक है, तो ये कैसे कुछ बना सकते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो नहीं बना सकते, और ये जो है डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं होता, और जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनकी फीचर्स क्या क्या है। अब ये ओनली मेंटेन करते हैं मेंटेनर्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। ठीक है, ओनली पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में आपने देखा था कि आपके 3 तरह के अकाउंट होते थे, फर्स्ट होता था आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता था आपका रियल अकाउंट, और थर्ड होता था आपका नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट जो होता था पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर आप पर्सनल के जो अकाउंट्स है उसको रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, करते थे ना, पर्सन के अकाउंट्स जो है या फिर पर्सन को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग है,
ठीक है, या इसी तरीके से प्रीपेड है, जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते थे। रियल और नॉमिनल जो थे, रियल में हम एसेट्स वगैरह को बिजनेस के रिकॉर्ड करते थे और नॉमिनल में हम सारे खर्चे और सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते थे। तो ये जो है रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, मेंटेन ही नहीं करता, ओनली पर्सनल अकाउंट को ही मेंटेन करता है। ठीक है, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक को चलो ये मेंटेन कर लेता है। कैश बुक में क्या होता है, हमने कैश बुक वाला चैप्टर किया था ना, उसमें हमने सीखा था कि कैश बुक में क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी रिसिप्ट होती है तो हम डेबिट साइड में डाल देते हैं, और जब भी हमारे पास से कैश चली जाती है हम उसको क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। अगर आपने कैश बुक वाला अभी तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और कैश बुक में ये करते क्या है, ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते। उसके अंदर अगर कोई घर की भी प्राइवेट जो होती है ना हमारी ट्रांजेक्शन, उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन को उसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया इन्होंने, तो बिजनेस की सब कुछ मिक्सअप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स। ओरिजिनल वाउचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इनको साल के लास्ट में ही देखना पड़ जाए ना कि हमने टोटल परचेज कितनी की है, तो ये देखेंगे कि हाँ भी सारे बिल्स कलेक्ट करेंगे जो भी इनको सप्लायर से मिले हुए हैं। ठीक है, और अगर इनको ये देखना पड़ जाए ना कि हमने साल की लास्ट में कितनी सेल करी है, तो फिर इनको और कहीं से नहीं पता चलेगा, सारे के सारे जो इन्वॉइसेस हैं, जो भी कुछ है जो उन्होंने अपने कस्टमर को दिए हैं वो कलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी कि सब बिजनेसमैन एक जैसा जो रूल है वो अडॉप्ट नहीं करते, कोई किसी तरीके से अपनी छोटी मोटी रिकॉर्डिंग कर लेता है, कोई किसी तरीके से। ठीक है, तो सब कुछ यूनिफॉर्म तरीके से इसके अंदर नहीं चलता। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी, यानी कि ये कहाँ सुटेबल है, ये ओनली छोटे बिजनेसमैन जो है छोटे बिजनेस के लिए सही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए तो, और बड़े बड़े बिजनेस के लिए तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट ये जो है लीगली ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बना सकते। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होते हैं भाई, फाइनल अकाउंट्स में होते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब होती है। ये कहां से मेंटेन कर लेंगे जब इन्होंने कुछ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सब जो है मेंटेन नहीं कर सकते। ये तो है इसके फीचर्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। अब देखो इसको यूजेस फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसको यूज करते क्यों है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को, सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, कुछ स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं, जो ट्रांजेक्शन है सिंपल से इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स इट। लेस एक्सपेंसिव, इसके लिए देखो कोई ज्यादा खर्चे वाली तो बात नहीं है ना, तो इनको बुक्स को ही मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता, मेंटेन नहीं करना पड़ता, और ना ही देखो इनको इतने अच्छे वर्कर्स चाहिए होते कि उनको स्पेशल नॉलेज की जरूरत है तो उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स, यानी कि स्मॉल बिजनेस के लिए ये सही है, बड़े बिजनेस के लिए तो हमें सारी अकाउंट्स जो है बुक्स जो है मेंटेन करनी पड़ती है। आप देखिए नेक्स्ट है इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हम इजीली जो है प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस भी करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए कि आपने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, ठीक है, और साल के लास्ट में जाके देखो कि आपकी कितनी कैपिटल बनती है। अगर आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा आती है, मान लो आपने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 5 लाख रुपीज, ठीक है, और लास्ट में आपने जाके देखा कि हमारी तो क्लोजिंग कैपिटल जो साल के लास्ट में कैपिटल है वो बन रही है 6 लाख, तो आपकी कैपिटल ज्यादा कैसे बन गई। तो यानी कि 1 लाख रुपए जो है वो किसके है, वो आपके प्रॉफिट के है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब देखिए अगर हम फाइनल अकाउंट्स बनाने लग जाए तो उसमें आपको पता ही है कि क्या क्या करते हैं हम, सारे एक्सपेंसेस एक तरफ लिखते हैं, ऑफिस से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस साइड में हम इनकम लिखते हैं, तो इतना सब कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत है। छोटे बिजनेसमैन तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकाल देते हैं, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आंसर आया तो यानी लॉस। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल मेथड है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को किसी भी तरीके से मतलब अपने आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि इसके अंदर चेंज ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे यूजेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल। ट्रायल बैलेंस देखो हम किस लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर करे हैं वो अर्थमेटिकल, यानी कि उस पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस से भी पता चल जाता है कि अगर हमारी डेबिट साइड और हमारी क्रेडिट साइड दोनों की दोनों इक्वल हैं तो हम समझ जाते हैं कि सही है। अब इसके अंदर जब हमने ये बनाए नहीं, जब हमने डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे कुछ काम किया ही नहीं, डेबिट में नहीं कुछ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में नहीं कुछ रिकॉर्ड किया, तो देखिए हम ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट सिस्टम है ये हमारा, ठीक है, अगर वो कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया कुछ को नहीं किया तो इनकम्प्लीट ही हुआ। अब नेक्स्ट है ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असर्टेन। हम सही से कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और कितना लॉस हुआ है, अब ये तो हमने एक एस्टिमेशन सा लगाया कि क्लोजिंग के
ओपनिंग कैपिटल का, ठीक है, सही से तो नहीं पता चलता कि कितना एग्जैक्ट कितना हुआ है, और मतलब नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो नहीं हम बनाते ना, इसके अंदर हम अलग से कितने टोटल एक्सपेंस हुए हैं जिसके अंदर हम छोटे मोटे खर्चे भी रिकॉर्ड करते थे, तो ये सही प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो हमारी सही फाइनेंशियल पोजिशन बता देती है। अब इसके अंदर देखो, जब हमने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए इन स्टार्टिंग से, तो हम बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। नो कंट्रोल ऑन असेट्स, हमें पता ही नहीं असेट्स का कितनी हमारी असेट्स है, कितनी वैल्यू की, हमें सही से खुद ही नहीं पता चलता, ठीक है, तो इसमें मैनिपुलेशन यानी कि इसमें गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है नो रिकॉग्निशन इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। अब देखो, हमारे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स लगता है ना। अब देखिए, जब हमें जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इस मेथड को सही नहीं मानता, ठीक है, वो तो कहता है कि सही से अपने फाइनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल और बैलेंस शीट जो है वो चेक करते हैं, तो वो तो उनको सही मानते हैं, ये इस मेथड को सही नहीं मानता। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, किसी भी तरीके की हम इसमें क्या प्लान करें, ठीक है, जब हमें किसी बात का पता ही नहीं होता तो क्या प्लान करें और क्या कंट्रोल करें, किसके ऊपर कंट्रोल करें, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं होती, ये भी हमारी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो, जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो हम अपने आज का जो करंट का जो हमारा रिकॉर्ड होता है, हम अपने पिछले रिकॉर्ड के साथ उसको मैच करके देख सकते हैं। अब हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी हमारा तो ऐसा ऐसा सही है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड किया, कुछ को नहीं किया, अब की बार हमने क्या पता दूसरे आइटम्स को रिकॉर्ड किया हो, तो हमारा तो वो सही से मैच ही नहीं कर पाएगा, तो हमें सही तो बता ही नहीं सकेगा वो कंपेयर करके भी। नेक्स्ट, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। असेट्स मतलब जब भी हम बिजनेस को सेल करते हैं तो हमें असेट्स की वैल्यू देखनी होती है कितनी है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि गुडविल भी तो देते हैं, गुडविल की वैल्यू भी तो देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जो अगला जो हमारा बायर है वो भी तो उस गुडविल का फायदा उठाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे असेट्स की हम वैल्यूएशन ही नहीं सही से निकाल सकते, क्योंकि हमने सही से कभी इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो ये हमें काफी सारी मुश्किलें भी आती हैं इसकी लिमिटेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसका डिफरेंस भी करेंगे, और फिर उसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं डिस्कस कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जो है किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आप वो वाला भी वीडियो सेशन जरूर देखिएगा, और वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।